मैं डॉक्टर रोमा स्मार्ट जोसेफ क्रिएटिव मूक गूगल क्लासरूम के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। और अब तक हम ये देख चुके हैं कि किस तरह से गूगल क्लासरूम में हम गूगल ऐप्स के माध्यम से या सर्च बार का प्रयोग करके पहुँच सकते हैं, और जब हम उस कक्षा में पहुँच जाते हैं जॉइन के ऑप्शन को प्रयोग करके हम उस पर क्लिक करते हैं और कक्षा पर क्लिक करने के साथ हम उस कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं। और गूगल क्लासरूम में हम स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स के वेरियस टैब्स देखते हैं। पीपल के टैब के ज़रिए हम टीचर स्टूडेंट्स को जोड़ चुके हैं, और क्लासरूम के ज़रिए भी हमने क्रिएट जो आपको ये टैब दिख रहा है यहाँ पर, इसका प्रयोग करके हमने टॉपिक्स ऐड किए थे। द लीफ और द सेल के अंतर्गत हमने मटेरियल पोस्ट किया था, और ये वेरियस मटेरियल पोस्ट करने के ऑप्शंस हम देख चुके हैं कि किस तरीके से हम मटेरियल पोस्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल लिखते हैं, जैसे कि अगर हमें सेल के लिए कुछ मटेरियल पोस्ट करना है तो हमने सेल का टाइटल डाल दिया। हम बात कर रहे हैं सेल के स्ट्रक्चर की तो डिस्क्रिप्शन में हमको मेंशन कर दिया। और साथ ही जब हम ऐड करते हैं, हमने देखा कि किस तरह से हम गूगल ड्राइव का प्रयोग करते हैं, और अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो अपने ड्राइव से यदि कोई संबंधित मटीरियल है उसको चुन सकते हैं। लिंक से वेबसाइट लिंक हम पोस्ट कर सकते हैं मटीरियल से रिलेटेड। तीसरा ऑप्शन हमारे पास फाइल का था, यदि हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हमारे फोल्डर में इस मटेरियल से रिलेटेड फाइल है तो हम अपलोड के ऑप्शन को यूज़ करके अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं डेस्टिनेशन से। और फाइल को सेलेक्ट करने के साथ हम यहाँ पर उसको पोस्ट कर देते हैं, और जैसे ही हम पोस्ट करते हैं यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है और हम उसको पोस्ट कर सकते हैं। आज एक और लास्ट ऑप्शन था जिसे हम यूट्यूब कह रहे हैं, URL यूट्यूब का प्रयोग कर सकते हैं या हम सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर संबंधित मटेरियल की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई यूट्यूब का वीडियो चाहती हूँ तो यहाँ पर मैंने सर्च बार में सेल स्ट्रक्चर डाल दिया, और जैसे ही मैं क्लिक ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, सर्च ऑप्शन है यहाँ पर, कई ऑप्शंस हमारे सामने खुल जाते हैं। और आप देखेंगे कि वेरियस वीडियोस हैं यहाँ पर जो कि सेल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, और कई तरह के यहाँ पर रिसोर्सेज हैं। हम किसी भी ओपन एडुकेशनल रिसोर्स का जो वीडियो फ्री है और जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे किसी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, और किसी एप्रोप्रिएट वीडियो को हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर मटेरियल में आ जाता है। हम क्लास का चयन करते हैं, हम स्टूडेंट्स का चयन करते हैं या सारे स्टूडेंट्स को मटेरियल पोस्ट करते हैं, यहाँ से टॉपिक हम चूज़ करते हैं जिससे कि उसी टॉपिक के अंदर वो मटेरियल चला जाए, और फाइनली ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब सेव हो जाता है हम इसको क्लास में पोस्ट करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये मटेरियल यहाँ पर द सेल टॉपिक के अंतर्गत पोस्ट हो गया है। बच्चों को स्ट्रीम में ये पता चल जाता है विद्यार्थियों को, और वो इस ऑप्शन पर, वीडियो पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो संबंधित मटेरियल को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड असाइनमेंट को पोस्ट कर सकते हैं। तो इज़न्ट इट वंडरफुल, कितना अमेजिंग है, और किस तरह से हमने विभिन्न टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज कर लिया, टॉपिक से रिलेटेड हमने मटेरियल को भी ऑर्गेनाइज कर लिया, इससे विद्यार्थियों के लिए और शिक्षक के लिए, दोनों के लिए मटेरियल को ढूंढना, पढ़ना, समझना आसान हो जाता है। हमने अभी तक देखा ऐड ऑप्शन के अंतर्गत ये वेरियस ऑप्शंस थे, हम मटेरियल पोस्ट कर सकते थे। यहाँ पर गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड्स भी हैं, शीट्स भी हैं, जिनका हम अगले वीडियो में प्रयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।